वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि कल हम लोग फ्रैक्शंस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम लोग फ्रैक्शंस का जो है OTQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस, कुछ चुनिंदा सवाल हैं जिसे हम लोग बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना अपना जो है एक बार अटेंडेंस दे दें ताकि क्लासेस प्रॉपरली चलें, ठीक है। तो इसमें जो हम सबसे पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। OTQ इसका प्रश्न संख्या 5 है, जिसमें कहा जा रहा है कि इफ 5/12 इज इक्विवेलेंट टू एक्स अपॉन 3, मतलब 5/12 जो है वह एक्स अपॉन 3 के इक्वल, 5/12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, तो एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 12 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, आप उसे कुछ इस तरह से लिखें। उसके बाद हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 जो टर्म है इसे पहले एज यूजुअल लिख देते हैं, उसके बाद 12 को नीचे डिवाइड करते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1/5 हो गया, नीचे 4 है तो 4 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। x इज इक्वल टू 5/4 जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए जो अगला सवाल है वो लगभग क्वेश्चन नंबर सेम और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों लगभग इक्वल हैं, सेम है, एक ही जैसे हैं, तरीका एक ही है, थोड़े से अंक का बस अंतर है, तो आप इसे खुद से बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रहे, ये OTQ का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन है 1/2 whole 1/3 प्लस 1/1 whole 3/4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जहां भी मिक्स्ड फ्रैक्शन देख रहा है उसे आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो 1/3 × 6 + 1 = 7, 7 फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर 1/4 + 3 = 7/4 हो गया। इसके बाद 7/3 जो नीचे है ये डिवाइड है, जब इसे इनटू में लाएंगे तो ये 3/7 हो जाएगा, यानी 1 × 3/7, ये मल्टीप्लाई में लाने पर ये उल्टा हो जाएगा। इसके बाद प्लस 7/4 है तो ये भी 4/7, ठीक है। इसके बाद तो 3/7 × 1 अगर हम करते हैं तो इसका वैल्यू 3/7 है, फिर 4/7 को 1 से इंटू करेंगे तो 4/7 है। इसके बाद दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि अगर, अब चूंकि हमें इसे एलसीएम की तरह बनाना है, पहले एलसीएम दोनों का लेना पड़ेगा, 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है, तो 3 और 4 एज यूजुअल ऐड हो जाएंगे, अगर सब्ट्रैक्ट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से इसका जो रिजल्ट आया 7/7 यानी 1, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में इसके कोई ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द
दिस बोल जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। वैसे आप क्वेश्चन नंबर एट का मैच कर ले, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर एट नन ऑफ दिस। तो ये था आपका ओटीक्यू का प्रश्न संख्या आठ। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या नौ बनाएंगे। तो देखिए सवाल कुछ ऐसा है, 1/3 + 1/2 + 1/x = 4, then x is equal to what? आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी x का मान कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें स्टेप हम करेंगे, हम x वाले टर्म को यही रख लेते हैं क्योंकि वो प्लस में, तो हम 1/x = 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहेगा। अब देखिए आपने 1/3 और 1/2 इस दोनों का क्या करना है, इसे हम इक्वल के दूसरी ओर भेज रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो प्लस सिंबल में, तो बारी बारी से दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी -1/3 - -1/2, ठीक है। इसके बाद 1/x = 1/3 2, इस तीनों का एलसीएम होता है 6, ठीक है, इस तीनों का एलसीएम होता है 6। तो 1/3 2 का एलसीएम आपका 6 आता है। अब इसके बाद 1/6 + 6 = 4 माइनस है तो माइनस देंगे, 3 2 = 6 - 1 2 - 2 - 2 3 - 6 - 1 3 - 3। अब आप 1/x का जो वैल्यू वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस टर्म वाले दो अंक हैं 2 और 3, उसे आप ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 5, यानी 24 - 5/6। तो 1/x का जो वैल्यू है वो 19/6 हो जाएगा। अब हम इसे उल्टा कर देंगे तो x/1 यानी ये भी उल्टा हो जाएगा, 6/19 अर्थात x = 6/19 इसका वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लगभग 19 तरह बनेगा, प्रोसेस सेम है। तो जो भी एक्स वाले टर्म है उसको हमेशा एलएचएस में रखेंगे, और जो न्यूमेरिकल टर्म होते हैं उसे हमेशा राइट साइड में रख करके उसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक, इसी तरह उसको उल्टा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, इफ a/b = 4, देन आपको फाइंड करना है a + b / a - b, ठीक है, आपको ये टर्म फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्लियर a = देखिए यहां कुछ नहीं तो 4/1 छिपा रहता है, a = 4x
एंड बी इज इक्वल टू ओनली एक्स, ठीक है। फिर वन को एक्स से इंटू करोगे तो एक्स ही आएगा, हम इसे लेट करेंगे, ठीक है। नाउ आपको फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो देखिए ए, ए का वैल्यू 4x प्लस बी का वैल्यू है x, नीचे ए का वैल्यू फिर से 4x रखेंगे और माइनस बी का वैल्यू हो गया x, तो 4x प्लस x हो गया 5x, नीचे 4x माइनस x हो गया 3x, x से x कैंसिल होते हैं यानी 4 अपॉन 3 यानी इसका वैल्यू है 4 या 4/3 का आंसर रख सकते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा 5/3। तो 5/3 ये इसका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4/3 देन हमें क्या फाइंड करना है, 6a प्लस 4b अपॉन 6a माइनस 5b। वी लेट a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 3 है, तो इससे a इज इक्वल टू 4x और b इज इक्वल टू 3x हम लेट कर लेंगे। नाउ अब आपको फाइंड करना है 6a प्लस 4b अपॉन 6a माइनस 5। तो 6a का मतलब होता है 6 इंटू ए और a का वैल्यू है 4x। इसके बाद सिंबल है प्लस का, 4b दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बी और b टर्म जो है वो है 3x। फिर नीचे वाले टर्म में देखिए 6a दैट मीन्स 6 इंटू 4x माइनस 5b दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बी और बी का वैल्यू है 3x। तो सबसे पहले आप इस दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24x, 4 3 जा 12x अपॉन 6 4 जा 24x माइनस 5 3 जा 15x। इसके बाद नीचे जरा देखिएगा, 24 प्लस 12 ये हो जाएगा 36x और इसी तरह से 24 माइनस 15 कीजिएगा ये हो जाएगा 9x, x से x टर्म को कैंसिल कर दीजिए और 9 बन जाए 9 और 9 हो जाए 36 हो जाता है, दैट मीन्स 4/1 इसका आंसर, ठीक है। 4/1 का मतलब 4 इसका राइट आंसर है और वो है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, 1/5 - 1/6 इज इक्वल टू 4/x देन x इज इक्वल टू 1। बस आपको कुछ नहीं करना है, x वाले टर्म जो है वो एक साइड ऑलरेडी पहले से ही है, तो आपको जो टर्म न्यूमेरिकल टर्म है उसको पहले सॉल्व करना है एलसीएम लेकर के और उसके बाद जा करके जो है जो x को आप उल्टा अगर अपोजिट करते हैं तो डेफिनेटली जो दाहिने ओर के नंबर्स होते हैं वो भी उलट जाएंगे, वो भी उल्टे हो जाएंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमेटर बन जाता है और डिनोमेटर न्यूमरेटर बन जाता है और उसके बाद आप 4 को दूसरी ओर भेज करके मल्टीप्लाई कर लें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक बॉक्स है उसके बाद -5/8 है इज इक्वल टू 1/4। देखिए इस बॉक्स में अगर कुछ नहीं हो तो उसे x सेलेक्ट कर लें, तो x अगर इज इक्वल टू फाइंड करना है तो सबसे पहले इक्वल के दूसरी ओर 1/4 है और -5/8 जो है उसे अगर हम इधर भेजेंगे तो +5/8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 4 2 जा 8 1 2 जा 2 प्लस 8 बन जाए 5 बन जाए
साथ पुनः यहीं उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सारे ऑब्जेक्टिव के जो सवाल हैं आप लोग उसे सॉल्व करें। सो थैंक यू।